हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बहुत ही फेमस इंडो चाइनीज़ स्ट्रीट फूड गोभी मंचूरियन। बहुत ही यमी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब गोभी ली है और वॉश करके इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। और एक बाउल में 4 स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 स्पून मैदा मैंने ऐड कर लिया है। साथ ही में सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, हींग, भुना जीरा पाउडर और गरम मसाला, तो इन सबको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी में कटी हुई गोभी को हम ऐड कर लेंगे और उसे भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से गोभी के साथ कोट हो जाएं। तो ये देखिए, इस तरह से ये कोट होके रेडी हो गया है, तो इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसी में ऑयल ऐड करके इनको डीप फ्राई करना है। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप इसको इस तरह से टर्न कर लें। ये डीप फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो ये अब डीप फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा उसी में जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप करके इस तरह से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अपनी फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इन सब चीज़ों को हम जलाएंगे नहीं, हमको थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होने तक वेट करना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज का अनियन चॉप करके ऐड कर लेंगे। इसे भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक ही इस तरह से सॉटे करेंगे। इंडो चाइनीज जितने भी डिशेज होती हैं वो हाई फ्लेम पर बनाई जाती हैं, और उसी में ऐड कर लेंगे 2 स्पून डार्क सोया सॉस, 2 स्पून रेड चिली सॉस और टमाटो केचप और 1 स्पून ओएस्टर सॉस। तो इस सब को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी डीप फ्राई की हुई गोभी ऐड करेंगे। उससे पहले हम 1/2 कप वाटर में कॉर्नफ्लोर का एक इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा स्टिकी हो जाए। उसको डालने के बाद तब हम गोभी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो गोभी ऐड करने के बाद भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर और वाटर। तो ये देखिए बनके तैयार है गोभी मंचूरियन। कितना झटपट ये बनके रेसिपी तैयार हो जाती है। तो इसी में ऐड कर लेंगे 1 स्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए। और साथ ही मैं ऐड कर लूँगी हरे धनिया के पत्ते और स्प्रिंग अनियन। तो इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।